हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल ननद भाभी में। आज हम बात करेंगे काजल पे। जी हाँ, वही काजल जिसे हम अपनी आंखों को और भी खूबसूरत बनाने के लिए यूज करते हैं और छोटे बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए लगाते हैं। हम अक्सर काजल को मार्केट से खरीदते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल रहता है, जिसे लगाने से हमारी आंखें लाल हो जाती है, कई बार जलन होने लगता है, कई बार उसमें पानी भी आने लगता है, धीरे धीरे हमारी आंखों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आज हम आपको बताएंगे घर पे किस तरीके से बादाम से आप काजल बना सकते हैं, वो भी दो तरीके से। घर पे काजल बना करके लगाने से एक तो इसमें केमिकल नहीं रहता, 100% नेचुरल रहता है। आप बादाम से बने हुए काजल को बच्चे को भी लगा सकते हैं और आप खुद भी लगा सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम काजल बनाने के लिए हम बड़े साइज बादाम का यूज करेंगे और हम इसकी टिप को थोड़ा सा आगे से कट कर देंगे ताकि वो अच्छे से जल सके। बादाम हर किसी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा। बादाम का काजल बच्चों को लगाने में उनकी आंखों को थोड़ा ठंडक मिलती है और वो उनकी आंखों के लिए अच्छा भी होता है। एक बादाम एक बार में यूज नहीं करते हैं, इस बादाम को आप कई बार रीयूज कर सकते हैं। और कोशिश करिए रोज बच्चे को ताजा काजल लगाइए। आप देख सकते हैं बादाम में ऑयल होता है, इसलिए ये प्रॉपर अभी तक जल रहा है। इसको थोड़ा ठंडा होने दें। आप देख सकते हैं ये काजल लगाने के लिए रेडी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक बादाम ले लिया है, फोक में इस बादाम को प्रेस करके अच्छी तरीके से लगा लेंगे। अब इस बादाम को हम किसी लाइटर या कैंडल की मदद से जला लेंगे। अब इस जलते हुए बादाम को हम किसी गहरे बर्तन से ढक देंगे। यहाँ पे मैंने इस बर्तन का यूज़ किया, आप चाहे तो किसी सहारे से कटोरी को भी रख सकते हैं। 10 से 15 मिनट में हमारा बादाम पूरी तरीके से जल जाएगा, आप देख सकते हैं, और ये हमारा चारकोल बन करके रेडी हो जाएगा। एक स्पून की सहायता से हम अपने सारे ब्लैक पाउडर को इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे हमने घी लिया है, ये जमा हुआ घी है। अगर आपके पास पिघला यानी कि मेल्टेड घी है तो 1 से 2 बूंद आप घी ले लीजिएगा और इसे बादाम से बने काले पाउडर में अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा। यहाँ पे मेरा काजल बन करके रेडी हो चुका है। अब मैं आपको अपने हाथ पे लगा करके दिखाऊंगी, देखिएगा ये कितना गाढ़ा काला बना है, एकदम मार्केट के काजल की तरह ही बना हुआ है। तो देखा आपने कितना काला, कितना अच्छा हमारा काजल बन करके तैयार हुआ, बिल्कुल मार्केट के काजल की तरह। अगर आप चाहते हैं ज्यादा क्वांटिटी में बना करके इसे लंबे समय के लिए स्टोर करना तो आप 10 से 15 बादाम को जला सकते हैं। जो बादाम से जला हुआ काला पाउडर निकलेगा उसी की क्वांटिटी के हिसाब से ही आप इसमें तेल डालिएगा। ज्यादा तेल नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर आपका काजल काफी गीला हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, अगर आप चाहते हैं आपका काजल फैले नहीं, काफी लंबे समय तक टिका रहे, तो आप इसके लिए कोई भी फेस पे यूज करने वाला पाउडर ले सकते हैं और अपनी फिंगर की सहायता से काजल आंखों में लगाने के बाद नीचे की साइड लगाइए। और कोई भी टिश्यू पेपर, कॉटन या फिर कॉटन के रुमाल की सहायता से आप एक्स्ट्रा पाउडर को निकाल दीजिए यानी झाड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे आपका काजल काफी लंबे समय तक टिका रहेगा, बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। एक्स्ट्रा पाउडर मैंने निकाल दिया है, ये काजल काफी देर तक टिका रहेगा और फैलेगा भी नहीं। ठीक इसी तरीके से कई लोग अपने आईब्रो पे आईब्रो पेंसिल का यूज करते हैं या काजल लगाते हैं आईब्रो को एक अच्छी शेप देने के लिए। आप उस पर भी इसी तरीके से कोई भी फेस पाउडर लगा करके टिश्यू पेपर की सहायता से उसको एक्स्ट्रा पाउडर को हटा दीजिएगा, लंबे समय तक आपके आईब्रो की शेप बनी रहेगी। हम अपने छोटे बच्चों को नहलाने के बाद काजल लगाते हैं और थोड़ी ही देर में देखते हैं हमारे बच्चे जो सुंदर दिख रहे थे वो बन जाते हैं जोकर। आप चाहते हैं आपके बच्चे जोकर ना बने, सुंदर के सुंदर ही लगे काजल लगाने के बाद भी, तो आप क्या करिए, जब भी अपने बच्चों को फोरहेड पे, आंख पे या पैर के तलवे पे काजल लगाएं, वहां पे भी आप पाउडर को इसी तरीके से लगा दीजिए और कॉटन की सहायता से या तो फिर किसी कॉटन के कपड़े की सहायता से पाउडर को मिला दीजिएगा, आपके बच्चे का काजल फैलेगा नहीं। देखा आपने काजल बनाना कितना आसान। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये टिप्स यूजफुल लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।